एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो अभी एक्सकवेशन का ही चल रहा है। एक्सकवेशन सेफ्टी में हम जो बात करेंगे वो अंडरग्राउंड सर्विसेज की बात करेंगे, ठीक है। ये है आपका कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का टॉपिक चल रहा है, एक्सकवेशन सेफ्टी, जिसमें कि आपको एक्सकवेशन हैजार्ड्स, एक्सकवेशन प्रिकॉशंस, सेफ्टी और बाकी सारी इसमें होने वाले जो भी हैजार्ड्स सिचुएशन है उनको हम कैसे टैकल करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या बताएंगे इसमें, अंडरग्राउंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे, एक्सकवेशन अंडरग्राउंड सर्विसेज। अब क्या होता है, जब भी एक्सकवेशन किया जाता है तो जो अंडरग्राउंड वर्क सर्विसेज जो रहती है, जैसे कि बिल्टअप एरियाज रहते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स रहती हैं, ठीक है, सीवर्स रहते हैं, पाइपलाइंस रहती हैं, गैस पाइपलाइंस रहती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्लोजन, फायर और एक्सप्लोजन लीकेजेस भी रहते हैं, ब्रोकन गैसेस पाइपलाइन भी रहती हैं, ठीक है। अब ब्रोकन गैसेस पाइपलाइन हो सकती हैं, लीकेजेस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, अब ये सारी जो पाइपलाइन है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल केबल है, आपके गैस की पाइपलाइन डली हुई है, सीवर्स भी हैं, वाटर पाइपलाइंस भी डली हुई हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं उनके लिए एक्सकवेशन चल रहा है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें जो एक्सकवेशन चल रहा है उनमें जो नीचे चीज़ें आने वाली हैं वो गलती से आपसे अगर हार्म हो गई, तो मान लीजिए आपके एक्सकवेशन करते वक्त वो ब्रोक हो गई, तो मतलब टूट गई, तो क्रैक आ गए, तो क्या हमें क्या करना है। तो वाटर सीवर पाइपलाइंस है, अगर वो हमें चेक करना है, अगर वो ब्रेक हो जाती है तो क्या हो सकता है, जो भी हमने एक्सकवेशन किया है, जो गड्ढा खोदा है उसमें पानी भर जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल केबल से कुछ भी हुआ तो क्या हो सकता है, हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं उनमें, उनको देखते हुए हमें काम करना है। उनके लिए हमें क्या करना होगा कि हम उन चीज़ों को मतलब वो चीज़ें जो हैं वो ठीक ही रहें, उनको कोई नुकसान ना हो, ठीक है। अब हमें कैसे डिगिंग करनी है कंस्ट्रक्शन साइट पे, कैसे हमें क्या करना है, तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक्सकवेटिंग करने से पहले, गड्ढे की खुदाई शुरू करने से पहले हमें वहाँ क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, ठीक है। हमें वहाँ इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ से कौन कौन सी केबल गई हैं, ठीक है, कौन कौन सी केबल गई हैं, कितनी ऊंचाई पर गई हैं, कहाँ से कौन सी केबल जा रही है, कौन सी पाइपलाइन निकल रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम जाके सेफ एक्सकवेशन कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें पता लगाना है, हमें एक्सकवेशन करने के लिए अपने यहाँ हम इंस्पेक्शन करेंगे। अब हमें क्या करना है, एक्सकवेशन करने से पहले हमें इंक्वायरी करनी होगी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से, वहाँ की लोकल अथॉरिटी से और साइट ओनर से, जिनके पास पूरा प्लान हो, पूरी केबल्स का लेआउट हो, पूरा एरिया का लेआउट हो, प्लस वहाँ पे आपकी कौन कौन सी और भी लाइन्स गई हुई हैं, पाइपलाइंस, वाटर कनेक्शन, गैस कनेक्शन या जो भी हैं, सब चीज़ का लेआउट होना चाहिए, ठीक है। जब हमारे पास लेआउट होगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लेआउट में कुछ चीज़ें शो होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से या जो जो चीज़ें वहाँ हैं उधर हैं मौजूद, उन सभी अथॉरिटीज़ से हमें बात करनी होगी। वो हमें प्रॉपर एक लेआउट देंगे जिनसे हमें पता चलेगा इतनी से इतनी नीचाई पे ये वाली पाइपलाइन गई है, इतने से इतनी नीचाई पे ये केबल गई है, ये वाली केबल यहाँ है, ये वाली यहाँ है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल पाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारा पूरा पहले पूरा सर्वे करना होगा, पूरा इंस्पेक्शन करना होगा, देन हम अपना एक्सकवेशन वर्क शुरू कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज चेक करेंगे, हम इंक्वायरी करेंगे अथॉरिटीज़ से, हम मिले, हमने साइट ओनर से भी बात की, हमारे पास पूरा प्लान अवेलेबल है। अब हम ये चेक करेंगे, जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो अगर आप कभी भी मतलब मैकेनिकल एक्सकवेटर यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी मशीन द्वारा उसे खोद रहे हैं, गड्ढा की खुदाई कर रहे हैं, तो हम ध्यान रखें कि कोई भी गैस पाइपलाइन जा रही है उसके हाफ ऑफ मीटर से पहले ही अवे रहें, मतलब दूर रहें, ठीक है। कोई पाइपलाइन गई हुई है तो उसके हाफ मीटर हम पहले से ही दूर रहें, और अगर आपको स्मेल आ रही है कि किसी भी गैस लीकेज की या किसी भी तरीके की, तो आप ध्यान रखें कोई भी इग्निशन सोर्स वहाँ नहीं होना चाहिए, जैसे कि सिगरेट या रनिंग व्हीकल नहीं होना चाहिए, कोई भी इंजन, ठीक है।
तो इससे क्या होगा कि आपका जो होने वाले एक्सीडेंट्स है वो टल पाएंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें ऐसे ही जो भी वर्क है एक्सकवेशन वर्क वो शुरू नहीं किया जाता, पहले हमें जानकारी लेनी पड़ेगी कि इसके नीचे कितना क्या क्या लाइंस गई हुई हैं, क्या क्या इसमें है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा हमें ध्यान रखना चाहिए, हम जब भी वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल सेफ्टी के साथ रख करें। आज सोरिंग हो रही है या ट्रेसिंग हो रही है तो हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी काम करें अपने पूरी सेफ्टी के साथ करें, पीपीज वेयर करने के बाद काम करें, क्योंकि देखिए अपनी सेफ्टी रखेंगे तभी सारी चीज़ें वेल मैनेज रहेंगी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें आपको हेलमेट वेयर करना है जब भी आप एक्सकवेशन साइट पे हैं। ठीक है, हैंड डिगिंग कर रहे हैं तो केबल्स वगैरह आप चेक करते रहें, हैंड ग्लव्स यूज़ करके डिगिंग करें। ठीक है, बाकी केबल्स डैमेज हो रहा है या कोई भी तो हम उससे दूर रहें। केबल डैमेज हो गया, किसी गैस लीकेज हो गया है, कि गलती से वो हो गया है, मतलब गलती से कोई चीज़ का क्रैक हो गई है या टूट गई है या कुछ भी हो गया है तो आप उस जगह से हट जाएं। ठीक है, और सबको इन्फॉर्म भी कर दें। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको हेल्प करेंगी कि आपके होने वाले एक्सीडेंट से आपको बचा पाएंगी। ठीक है, अब अंडरग्राउंड सर्विसेज है, देखिए अंडरग्राउंड है, हमें दिखाई नहीं दे रही है ना हमें कुछ पता है उस बारे में, तो हमको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी ना कि हमें पता तो होना चाहिए ना कि कितनी मीटर नीचे जो है वो गैस पाइपलाइन गई हुई है, उससे कितना नीचे जो है वाटर पाइपलाइन है, कितना केबल्स है इलेक्ट्रिसिटी केबल्स, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होंगी। जब हम चेक कर लेंगे हमें पता चल जाएगा, उसके बाद हम एक्सकवेशन शुरू करेंगे तो ऐसी चीज़ों को हार्म होने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास पूरा लेआउट डायग्राम रहेगा। जब हमारे पास पूरा लेआउट रहेगा तो लेआउट की हेल्प से हम इतना तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं ना कि इसके कितने अंदर मीटर्स जो हैं वो, फिर ये वाला वर्क शुरू हुआ है, मतलब जैसे कि गैस पाइपलाइन लगी हुई है, वाटर पाइपलाइन लगी हुई है, केबल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो मैंने आज आपको एक्सकवेशन का अंडरग्राउंड सर्विसेज का एक टॉपिक बताया, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी अभी चल रही है इसमें एक्सकवेशन अभी टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको आज उसको एक उसके बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि आप कैसे उसको जब भी अंडरग्राउंड सर्विसेज है उन पर कैसे केयरफुली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया एक्सकवेशन अंडरग्राउंड सर्विसेज। ठीक है, सो थैंक यू।